गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 8 जुलाई, आज है हमारे बंगाल में वोट, मतलब हमारे ब्लॉक में वोट है, पंचायत ब्लॉक वोट है। तो अभी मैं आज वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे हस्बैंड ने रिकमेंड किया कि आज वीडियो बनाओ। हर साल उनका वोट का ड्यूटी होता था तो इसलिए लगता था कि मतलब वोट है वोट है वोट है, लेकिन आज इस बार पता नहीं क्यों का ड्यूटी नहीं पड़ा, वो घर पे ही है इसीलिए लग ही नहीं रहा है कि वोट है। बहु पानी जाता। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, अभी 8:30 हो रहे हैं। हाँ, और दूध बना को और ये रहा अपना चाय। आज क्या हुआ था, दूध फट गया था, लेकिन मेरे पास एक दूध का पैकेट था तो उसी से मैंने चाय बनाया। और हम लोग यहाँ पे सब कोको कोको भी। तो अभी मेरे घर का लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अभी बस ब्रेकफास्ट करना है। चेरी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चेरी के पापा अभी पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं हमारे यहाँ का बंगाल का वोट का बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये हम दोनों का वोटर कार्ड है, ये कवर के साथ ही आया है। ये रहा मेरा वोटर कार्ड और ये रहा इनके पापा का वोटर कार्ड। और ये वाला स्लिप हम लोग को देते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ होता है। अगर ये नंबर हम लोग अगर जब वोट देते हैं ना, तो अगर बताए तो फटाफट वो रजिस्टर में खोज कर हमको टिक कर सकते हैं, मतलब ये आके वोट दे के चले गए वोटर। तो हम दोनों का नंबर है, ये मेरा 154 है, उनका 157 है। तो ये लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि जो ड्यूटी पे बैठे भी होते हैं ना, उनका भी काम थोड़ा ईजी हो जाता है। और क्या बताऊँ, वोट देना हमारा अधिकार है, इसका यूज़ ज़रूर करिए। छुट्टी के तौर पर आज का दिन आप लोग यूटिलाइज नहीं करिए। वोट देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। बहुत भी भीड़ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक घंटा उतना तो हम दे ही सकते हैं। तो प्लीज़ वो जाइए और वोट दीजिए। तो इससे पहले मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उनके पापा आ जाते हैं पूजा करके, तब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। लेकिन बहुत गर्मी लग रही है मुझको, तो अभी घर पहुँच के बर्तन साफ किया है मैंने। तो अभी बज रहे हैं 1 और हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैंने तो पहना है ये एक स्लीपर जो अंकिता का है, ट्राउज़र और ये टी शर्ट। और चेरी को हम उसके नानी के घर में छोड़ेंगे क्योंकि बहुत भीड़ है। और मैं और चेरी के पापा जाएंगे, गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है। और फिर कहाँ भीगते भीगते जाएंगे ना, वैसे तो पास में ही होता, दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, फिर भी गाड़ी लेके जाएंगे। चेरी भी जाएगी, वो भीग जाएगी फिर। तो अभी पोलिंग बूथ में जाके मिलते हैं। रितुस्लाम, आपको पता है कैसे इसको पैम्पलेट को फोल्ड करके बॉक्स में डालेंगे? मालूम है। इनका ड्यूटी बहुत पड़ा है, इनको मालूम है। तो हमको क्या बताया गया है कि ऐसा लंबा रहेगा ना, तो यहाँ पे नाम रहेगा और यहाँ पे मतलब उसका चिन्ह रहेगा। तो चिन्ह में यहाँ पे अगर आपको जो भी चिन्ह में वोट देना है, पोलिंग बूथ करो। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, पार्टी के लोग रोड रोड में। हाँ, तो वहाँ पे उनका नाम रहेगा, यहाँ पे उनका निशान रहेगा। तो आपको ऐसे करके फोल्ड नहीं करना, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो होता है ना, सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है, कल मम्मी को भी सिखाया मैंने। तो इसको पहले हॉरिजेंटल बन जानी अलग, इस तरह पता नहीं क्या हॉरिजेंटल था या वर्टिकल था, मतलब ऐसे करना है। उसके बाद इसको जैसे भी कर सकते हैं, तो कोई भी पैम्पलेट ट्रेन भी जा रहा है अभी, इसको ऐसे ऐसे ऐसे। ये ट्रेन जा रहा है, तिमीलाई लु यहाँ छ यहाँ। तो ये पास में ये हमारा वो वाला गली है, ये जो मम्मी का गली जाता है ना, जो रोड है वहाँ से, ये जो क्लब है यही क्लब में ही हम लोग वोट देते हैं। क्लब नहीं, क्लब के पास में जो स्कूल है, ये देखिए बहुत सारा स्कूल है यहाँ पे। चेरी और चेरी के पापा जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ वोट देने के लिए। हम लोग भी वोट देने आए हैं, ये भी वोट देने आए हैं। तो हम लोगों ने वोट दे दिया। ओ प्रूफ देखा, वोट देखो, ये देखो इसने भी वोट दे दिया। 10 साल में एक बार, सारे 10 साल जब से जॉब में लगाया तब से फर्स्ट टाइम पहली बार वोट दे रहा है, क्योंकि इसका वोट का ड्यूटी फर्स्ट टाइम आया है। तो हम लोगों ने वोट दे दिया और चेरी को भी मम्मी के घर पे रखा है। बारिश आ रही है बाहर, देखिए
बारिश आया इसलिए बोर देना इम्पॉसिबल हो गया। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं खाना बाहर खाएं क्योंकि 2 बज गए, अभी कब जाके मैं खाना बनाऊंगी तो देखते हैं। हम लोग यहाँ बचपन में आते थे जब बहुत छोटे थे। तो फर्स्ट में आ गया है लेमन और अनियन। हम लोग यहाँ पे जब बहुत छोटे थे ना तब आके खाना खाते थे, जब हम लोग नानी के घर से आते थे तब। तो नानी के घर से घर का गाड़ी में ही आ जाते हैं इसलिए बाहर से खाना नहीं खा पाते। तो आज का मेन्यू मैं दिखा देती हूँ उन लोगों ने मुझे क्या क्या दिया है। वैसे हम लोग फिश राइस खा रहे हैं। तो आज का मेन्यू में है पापड़, राइस, किस साग बनते हैं, फिडल हैंड फर्न की वो बनते हैं ना, निगरो साग, निगरो निगरो, आलू भाजा, ये शायद मिक्स सब्जी है, दाल। उसके बाद हम लोग का फिश आएगा। खाना बहुत ही टेस्टी था, मुझे सच में अपने बचपन की याद आ गई जब मम्मी पापा भाई और मैं नानी के घर से आते थे। और हम लोग यहाँ नहीं रहते थे मदारी में, हम लोग क्वार्टर में रहते थे और मदारी हाट से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर है जहाँ पे अंगीता का घर है वहाँ पे पापा का क्वार्टर था। तो हम लोग क्वार्टर जाने से पहले यहाँ पे खाना खाते थे, फिर हम लोग रिक्शा में चढ़कर, तब रिक्शा हुआ करता था, रिक्शा में चढ़कर हम लोग घर जाते थे। तो वो सब तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना बहुत टेस्टी था। ये अन्नपूर्णा होटल में खाया हम लोगों ने, यहाँ तो सब होटल ही बोलते हैं, यहाँ अन्नपूर्णा होटल एंड रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स में। और हम लोगों ने स्वीट्स भी खाया, रसगुल्ला। और अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ दुकान से कुछ थोड़ा सामान लेना वो ले लेते हैं फिर घर की तरफ निकलते हैं। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ क्योंकि शाम का थोड़ा सा प्लान है। शाम को मोमो पार्टी है, ये लोग कल ही सबको लेकर आए थे लेकिन कल मैं थोड़ी थकी हुई थी तो मैं नहीं मानी कि मैं नहीं बना दूँगी, लेकिन आज तो मुझे बना के देना ही पड़ेगा। और कोको को मैंने आने के साथ साथ खाना के लिए दे दिया, वो अपना खाना खा रहा है। तो ये वाला डोर भी मैं खोल लेती हूँ, हाँ, इसके बाद मैं अभी शाम को ही मिलती आप लोगों से। तो मैंने अभी थोड़ा सा नैप किया, आराम से सो रही हूँ और अभी मैं उठ चुकी हूँ। 5 बज रहे हैं, इनके पापा तो सो रहे हैं, सोचा चाय बना देती हूँ, चाय बनाने के बाद इनको उठाऊँगी। तो चाय बनाने से पहले मैं सोचूँ कि थोड़ा सा चीरा को फ्राई करके अच्छे से बनाते। तो पहले मैंने पैन को बिठा दिया, सबसे पहला हम लोग चीरा ले लेते हैं। ये वही वाला चीरा है जो कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग में डाला था ना, असार 15 का 15 का, वही वाला है ये। यहाँ पे तेल डाल दिया है, तेल डालने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। आप लोग जैसे पोहा बनाते हैं ना वैसे ही ऐसे ही, लेकिन मैं इसको भिगाऊंगी नहीं ऐसे ही, तभी क्रिस्पी रहेगा ऊपर से। इसको आपको जितना खाना है उतना चीरा ले लें, हम दोनों के लिए नहीं रहेगा। इसको थोड़ा फ्राई होने दे देते हैं, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, तो आएगा खाने में मजा। तो अच्छा ये अभी थोड़ा क्रिस्पी हो चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा प्याज जो मैंने कट करके रखा था, थोड़ा सा टमाटर, अभी टमाटर का रेट बहुत आई है, अब बहुत अच्छे से मीम्स भी बन रहे हैं। और इसके बाद अथा टमाटर ला लूंगी। अब इसको सीजन करना है, गैस को थोड़ा लो कर लेती हूँ,
थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको सीजन कर दूंगी। नमक अभी डाला क्योंकि टमाटर और प्याज में भी लग जाए, ये प्याज और टमाटर को ज़्यादा पकने नहीं देना है, इसको थोड़ा सा कच्चा ही रखना है, खाने में क्रिस्पी रहता है, अच्छा लगता है। अगर ये टमाटर प्याज गल जाएंगे ना तो फिर ये जो ये खीरा है ना वो सॉगी हो जाएगा, तो मुझे उसको क्रिस्पी रखना है, इसीलिए बस इतना ही मैं इसको फ्राई करूँगी। और लास्ट में जब मैं उतारूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा चीनी डालूँगी, कि अगर इसमें चीनी डालते हैं ना तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है। हम लोग पहले जब बचपन में मम्मी नाश्ते में यही किया करती थी, तो अभी भी मैं यही बनाती हूँ। तो इसको मैं यहाँ निकाल देती हूँ। अरे चाय का पानी बिठा दिया, ये चाय मेरा चाय पत्ती और चीनी खोल रहा है, मैं दूध डाल देती हूँ, वैसे चाय भी बन जाएगी। तो मोमो पार्टी भी ख़त्म, अभी हम लोग सोने का तैयारी कर रहे हैं, इनके पापा बेड भी ला रहे हैं और जो भाई आया था वो चला गया, मनीष आया था वैसे वो चला गया। तो ये वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, टिल देन टेक केयर एंड बाय। जल्द ही आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मैं आऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाय।